जोहार, नमस्कार। आप सभी का झारखंडी ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में देखेंगे, कल रक्षाबंधन है तो आज घर निकलना है। तो अभी सुबह हो रहे हैं 6, तो जा रहे हैं अभी फिलहाल पानी लाने के लिए। मोटर खराब है तो यहाँ से चले पानी लाने के लिए, क्योंकि बर्तन साफ करना है, खाना बनाना है। और फिर आज सुबह सुबह कॉल आया कुरियर वाले का, कुछ सामान मैंने ऑर्डर किया था तो सोचा था अगर घर से ले जाएं तो फिर उसे रिसीव कौन करेगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले कुरियर वाला कॉल किया कि आ रहे हैं आधा घंटा में, तो वो क्या सामान है दोस्तों तो एक्सपोज करेंगे वीडियो में आगे। कुछ है अच्छा चीज़ ही है, वीडियो बनाने के लिए ही है, तो बने रहें दोस्तों। अभी तो फिलहाल देखिए आज का मौसम, ये रहा बुआरी जोर का मौसम। इधर देखिए क्या ज़बरदस्त आसमान है, बहुत ही अच्छा मौसम है। निकल चुके हैं अब, देखिए अगर वहाँ पे पानी मिलता नहीं तो चापा कल जाना होगा। पहले के जैसा शायद बहुत लोग तो वीडियो में देख चुके होंगे कि कहाँ से लाते हैं पानी, क्योंकि क्या कीजिएगा, बुआरी जोर में सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की। तो ये सब सारा क्वार्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये सब गोदाम है। झाड़ जंगल बहुत सारा यहाँ पे है, झारखंड है तो झाड़ जंगल होगा ही, वाजिब सी बात है। और देखिए बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, तो आ गए हम यहाँ पे चापाकल जहाँ पे है। तो दिखाते हैं कहाँ से ले जाते हैं पानी। ये रहा चापाकल, पीने लायक पानी तो यहाँ पे नहीं है दोस्तों, लेकिन बर्तन साफ और खाना बनाने के लिए हो जाता है। चलिए बने रहे दोस्तों वीडियो में, आगे देखते हैं आज का दिन क्या होता है। आज घर निकलना भी था क्योंकि कल रक्षाबंधन है, तो आज जल्दी निकलने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या क्या काम है। आज का मौसम देखिए काफ़ी ज़बरदस्त मौसम है, आसमान एकदम नीला नीला आसमान, सूरज की किरणें, पेड़ पौधे लहलाते हुए, एकदम काफ़ी अच्छा नज़ारा मौसम। फाइनली ये सामान मेरे पास आ चुका है, देखिए एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ था, यहीं का एड्रेस है, राधेश्याम महतो ब्लॉक कैंपस बुआरीजोर नियर पुलिस स्टेशन बुआरीजोर, पिन कोड दिया हुआ है। ये एक्सप्रेस 20 की तरफ से आया है, डू नॉट कलेक्ट केस लिखा हुआ है, प्रीपेड है। तो इसको खोलेंगे, आप लोग को बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। आज अगर नहीं आता तो आज हम घर निकल जाते हैं। अरे दोस्तों अभी मैंने परवल का सब्जी काट लिया, इतना सा एक टाइम के लिए ही आज बना रहे हैं इसे, क्योंकि चिकन बना हुआ है दोस्तों। चलिए इसे फ्राई किया जाए पहले। इसे बनाएंगे उसके बाद चलेंगे नहाने के। निकले बाएं तरफ मोड़ लिए, इधर कस्तूरबा फील्ड पड़ता है, वही कस्तूरबा फील्ड होते हुए इधर जाना है, पेट्रोल भी नहीं है जी। शायद अच्छा आ रहा है लेकिन साउंड क्वालिटी इसका पता नहीं चल रहा, दोस्तों की क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ देरी पर चेक किया जाएगा। अभी फिलहाल हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लिए, यहाँ पर मैं रहता हूँ, और ये बड़ा सा टनल है रेलवे ट्रैक का, इस ट्रैक से होतेवा फिर का जो रोड है यहाँ से जा रहा हूँ। तो सिटी एक है
यहाँ कस्तूरबा विद्यालय और इसका जो रोड है ये शॉर्टकट रास्ता है दोस्तों, जो कि यहाँ से हम लोग को जो आगे में एक पटरी मिलेगी उस पटरी से जस्ट आगे ही निकलते हैं। ये रहा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन देखिए अगर आवाज़ अच्छी आ रही होगी। ये देखिए ऊपर का नज़ारा, वो ये अभी आसमान का शायद व्यू अच्छा ही आता होगा। अब हम लोग कुछ समय में निकल जाएंगे मेन रोड पे। रास्ता भी आप लोग को पता चलेगा का जो रास्ता है वो कैसा है, कितना कितना है वो देख पा रहे हैं आप लोग। अगर इस रास्ते में अगर पानी भी जिस दिन पड़ेगा तो फिर उस दिन क्या होगा इस रास्ते का, वो तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना गड्ढा है। एक कमर गड्ढा किसी किसी जगह पे तो जरूर है, ये तो हैवान गाड़ी सब की वजह से हुआ है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ी है रोड इतना क्वालिटी का बना नहीं है, इसलिए भी तो शायद आगे से भरा हुआ आ रहा है। लेकिन जो है ना लगनिया होते हुए जाते हैं, मतलब यहाँ से गाड़ी करते हुए लगनिया जाने का जो रास्ता है मैन रोड है उसी का अभी आप लोग देख रहे हैं। मतलब तो देख ली तो चेक करने के लिए ख्याल लगाए तो देखते हैं, तो चेक हो चुका है मैं उसका वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद फिर अगले वीडियो में आप लोग को पूरा रास्ता दिखाऊँगा।